अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम 26th HVACR एक्सपो के अंदर मौजूद हैं। आज एक्सपो का दूसरा दिन है और कराची के लिए लाहौर से मेहमान आए हुए हैं हमारे शेख नोमान साजिद साहब, और जो वेंचर इंजीनियरिंग के नाम से अपनी कंपनी को रन करते हैं। तो वेलकम टू द कराची, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो नोमान साहब, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आज दूसरा दिन है एग्जीबिशन का, तो कैसा एक्सपीरियंस? जी, कराची के अंदर मच बेटर एक्सपीरियंस है अदर देन पंजाब और इस्लामाबाद को भी हम देखते हैं, उधर भी लास्ट ईयर HVACR की एग्जीबिशन हुई थी, लेकिन जो कराची की बात है वो ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं और मैनेज भी बहुत अच्छा किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। तो आपको जो लोग यहाँ पर आए हैं, फुटफॉल जितना है, उससे आप सेटिस्फाई हैं कि आपके सही लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जहाँ पर लोग आ रहे हैं, टेक्निकल लोग आ रहे हैं हमारे पास, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ब्रांड्स आ रहे हैं, लोग इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं लोग, और बहुत अच्छा है जी। तो आपको क्या कराची आप आए हैं लाहौर से, इतना आपने ऑन द वे सफ़र करके, और ये क्या वजह रही कि कराची को आप बहुत अहमियत देते हैं? सर, कराची तो वैसे ही पाकिस्तान का हब है, यहाँ पर बिजनेस आपको पता है यहाँ पर माशाल्लाह सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर इंटरनेशनल फॉरनर्स बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे फॉरनर भी हमारे साथ आए हैं, हमने उनको स्पेशली चाइना से बुलाया इस एग्जीबिशन के लिए। इस एग्जीबिशन, हाँ जी बिल्कुल, इस एग्जीबिशन के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्लाइंट्स भी इधर मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी सेल आउट हो रही हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो चाइना से वो है, आमतौर पर ये तासुर है कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपकी प्रोडक्ट में और आम चाइनीज प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है? सर, प्रोडक्ट चाइना का असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर वो जिस क्वालिटी का, इंपोर्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ बनवा रहा है चाइना से। हम लोग जो सा ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट चाइनीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी वही है, अमेरिका की है, अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग उधर चाइना में हो रही है टू सेव द लेबर कॉस्ट ओनली, बाकी प्रोडक्ट की जो उसमें मटेरियल्स हैं वो सब स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं। स्पेसिफिकेशन जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, जी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की स्पेसिफिकेशन है, और ब्रांड भी रजिस्टर्ड जो है हमारा वो अमेरिकन ही है। जी जी, सिर्फ जस्ट मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है। ये वही आईफोन वाला हिसाब है कि है अमेरिका का और बन चाइना में रहा है। एग्जैक्टली सेम एज एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स आप दे सकते। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं और उसकी क्या रेंज है? सर, हमारे पास टोटल HVAC इक्विपमेंट हमारे पास सप्लाई करते हैं लार्क, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, 360,000 स्क्वायर मीटर्स कवर्ड एरिया इनकी फैक्ट्री का है सिर्फ, ये ऑलमोस्ट 50 से ऊपर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंप्लीट HVAC रेंज है, फैन कोयल यूनिट्स, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिलर्स हमारे स्पेशली हैं, अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 27 चिलर्स हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, और जो द बिगेस्ट कैपेसिटी 472 USRT चिलर, वाटर कूल स्क्रू चिलर में, और द प्राइसेस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल अदर देन आवर कंपटीटर्स। अच्छा, ये चिलर्स वगैरह के अंदर या इतने बड़े प्रोडक्ट के अंदर एक जो आफ्टर सेल सर्विस का जो वो होता है इशू, वो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? सर, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं, हमारे पास अपनी टीम है जो हमारे मेन जिसको हेड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका 25 इयर्स का सिर्फ चिलर्स में ही एक्सपीरियंस है, और वो हमारी पूरी टीम कराची बेस्ड ही है। अच्छा, हाँ जी, हमारी क्योंकि मैकेनिकल की हमारी सारी कराची की टीम है, यहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं, और हमारी ज़्यादा मार्केट भी कराची की ही है, इधर हमारे ज़्यादा चिलर्स लगे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। अच्छा, जब हम HVACR की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अब एक बड़ा एक ट्रेंड आ गया है, और अच्छा ट्रेंड है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ग्रीन बिल्डिंग्स और इसके हवाले से, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर? जी सर, ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स के हवाले से, ये हमारी भी बिल्कुल, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई हैं, जो एनवायरनमेंट के खिलाफ थी, ये भी हम इसी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, तो आपकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं सर। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ शेख नोमान थे, और वो अपने जो बात उन्होंने कही कि असल जो गेन आप करते हैं वो आफ्टर सेल सर्विस के अंदर करते हैं, और नोमान साहब की टीम यहाँ पे मैकेनिकल की पूरी कराची बेस्ड है, और इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स रखे हैं उन्होंने ताकि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रख सकें। तो इसी के साथ अब इस सेशन में इतना ही, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।